हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आरती स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी, अभी बजे हैं शाम के, देखिए घड़ी पे, शाम के बज रहे हैं 6:30। और हम सब ने पी है अभी अभी चाय। और यशु देखो, इनका अभी हुआ है सोने का टाइम, ये सो रही हैं। और मेरे को, मैं ना इसको बिल्कुल भी सुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसकी मासूमियत देख के ऐसे कुछ खा रही थी और ऐसी इसकी आंखें बंद हो रही थी खाते खाते। तो मैंने सोचा इसको सोने ही देती हूँ। ये सो गई अब, न तो ये इसने दिन में सोने दिया मुझे, न मुझे ये रात को सोने दी, क्योंकि ये उठ जाएगी 8 बजे तक। फिर सोचो ये 2-2.5 बजे, मैं बोलती हूँ ना 2-2.5 बजे तक सोती है, तो इसका तो वही है भाई, नेक्स्ट टाइम ये फिर 1 बजा दे, 1:30 बजा दे, 2 बजा दे, ऐसे सोएगी। तो भाई हम तो डे और नाइट दोनों की ड्यूटी करते हैं। अभी बजे हैं लगभग शाम के 7 बज रहे होंगे, पता नहीं। जब मुझे पता ही नहीं होती तो मैं बताती क्यों हूँ ना आपसे, रोज़ बताती हूँ और रोज़ ही नहीं पता होता मुझे, है ना। पर हाँ, इतना ही बज रहा होगा क्योंकि मैं अंदाज़ा लगा के बता सकती हूँ कि हाँ ये टाइम हुआ होगा। बूढ़े लोग पहले वाले टाइम पे कौन सी घड़ियाँ होती थी वो अंदाज़ा लगा के तो बताते थे। तो इस तरीके से मैं भी बता देती हूँ, यहाँ लगभग 7 बज रहे होंगे। तो देखिए ये सिलावटा साफ कर रहे हैं। ये मेरी मम्मी ने भेजा था। ये कह रहे हैं दे आऊँ वापस। नहीं नहीं, इनको 2-3 बार बता चुकी है, ये मेरी मम्मी ने भेजा था, मम्मी ने भेजा तो यूँ कह रहे हैं दिया हूँ बस, इतना तो एहसान जता दिया। नहीं, ये हमने ना मंगवाया था उधर से, हमारे पास इधर सिलावटा नहीं था, मिलता नहीं है इधर, तो मम्मी को बोला था तो मम्मी ने उधर नैनीताल की साइड से मंगवाया था, तो ये ले आए। मम्मी ने कहा था ये साफ़ करके भिजवा दूँगी मैं, लेकिन इनको जल्दी थी, उधर गए हुए थे, तो ये ले आए उठा के, मतलब जल्दी नहीं थी इनको, ये मेरी साइड आग निकाल दें जी। के बात है, मैं कुछ गलत कही है के? ऐसे ना करा करो। कलश लगा रखी थी उन्होंने अलग से दिखाने के लिए, साफ साफ। मम्मी ने थोड़ी लगाई थी, नहीं बनाने वाला ने, काला पत्थर दिखाने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं निकला, अभी देखते हैं क्या कलर निकलेगा इसका। हाँ, ये मतलब ऊपर कुछ और दिखा देते हैं और नीचे से माल कुछ और निकलता है। नहीं देखते अभी देखते हैं कौन सा माल निकलता है। पर है तो पत्थर तो वहीं का है ये, कि वहाँ से मेरी मम्मी ने मंगवाया है। मेरी मम्मी ने मंगवाया है। ये मजे ले रहे हैं मेरे फालतू में। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया ना बंदर, तो यहाँ पे है बंदरों का आतंक। अगर ये नहीं होते तो मैं छत पे भी नहीं आती। दाने दो क्या जी निकाल के, तो मैं इनको दाने निकाल के देती हूँ। इसके ऊपर एक बार दाने ऐसे ऐसे वो करेंगे ना, क्या करते हैं जी दाने का, दाने पीसेंगे ना इसके ऊपर दाने, जो बाकी जो करकट वगैरह है, करकट आती है ना, किरकिर आती है। हाँ, किरकिर आती है ना, वो खत्म हो जाएगी। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, ये इनको पता है। हैं, देख लो ना, बेवकूफ गला है। पर जी आनी थी ना, अब तो आ गई। ये रखे हुए थे, यही ले आई मैं। देखो देखो, साफ तो कर दिया, इसकी कालिक तो हटा दी आपने। ये पता नहीं कलर लगा रखा है क्या, ये ऐसे किस पत्थर का रंग है? ये पत्थर का रंग है जी, कलर नहीं है। कलर होता तो काले की तरह उतर जाता। तो जी यशु तो सो चुकी, आपको पता ही है। और आज हवा भी नहीं है छत के ऊपर, रोज़ तो इस टाइम ठंडी हवा चलती है। 2-3 दिन तक बारिश आई तब तो ज़्यादा अच्छा मौसम था, अभी तो वही उमस भरे दिन होने लग गए। देखिए ना, वो दौरी दिखाई थी ना मैंने उस दिन आपको, तो उस पे ना चार फूल आए थे, चार फूल पे छोटी छोटी सी फूल के नीचे चार तौरियाँ आई हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाती हूँ, नहीं हो जाती हैं तो यह उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी दिखा दिया तो क्या पता टूट जाएंगी तो नज़र हो जाएगी इनको, है ना। मैंने भी नहीं देखी है सही बताऊँ तो, मुझे भी डर लगता है कि कोई बेचारा
क्या फल या सब्जी लगने वाली हो और मैं उसको देखूं जाके तो टूट ना जाए कहीं, मम्मी बता रही थी कल शाम को, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। हो रहा है क्या कुछ जी? और ले लो शायद खड़े इनको ठंड लग रही है। मैं पीस लेती हूँ, आप परेशान हो रहे हो। पीस रहा है, साफ हो रहा है, हो रहा है भाई, हो रहा है। हाँ साफ तो हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, देखा मैंने अभी। आपको भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में, देखो कलर चेंज हो रहा है इसका, इस साइड से बीच से अलग कलर हो गया। अनाज से होता है ना? पता नहीं, ये सूखे पे करते थे जी, और अच्छे से होता शायद, पहले सूखे से उतारते थे ना। नहीं नहीं इसके लिए अंदर रख दो ये दाने, अभी नहीं करना ये दाने, कल इसे सूखे पे करूंगा। नहीं अभी कर लो ना, हो गया, मैं चटनी बनाऊंगी इस पे थोड़ी देर में। अच्छा आज ना आऊंगा? वो तो गया, इसमें देखो कोई किरकिराहट नहीं आ रही अभी। प्लीज देखो, नहीं है किरकिर बिल्कुल भी नहीं है। लव ये मेरा कर लेते हैं। देखो इसमें फर्क लग रहा है जी अब आपको। हाँ देखो सिलबट्टे कैसे साफ किया जाता है। हाँ ये धमाधम लगी हुई है, कैसे सिलबट्टे को साफ किया जाता है। चटनी पहले बनाने से पहले इसको अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है। चटनी तो आज ही यही खानी पड़ेगी, सारा कुर्बान है जो मैं बना रही हूं ना, ताकि इस पे कोई करकट वगैरह ना रहे। हाँ ये देखो, ये इसका बेबी सो रहा है इसके पास में। ये तो बंदरिया है और साथ में एक बंदर सो रहा है। नहीं एक बेबी सो रहा है, एक बंदर सो रहा है और बंदरिया जुए निकाल रही है। देखो मेरे थोड़ी नी छोटी पड़ जाती हूँ मैं, है ना, दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है, जाली आ गई। पर ये बंदरिया देखो जुए निकाल रही है ना उस बंदर की, और छोटा बेबी भी इनके पास में सो रहा है, इनकी फैमिली है मतलब ये। तो जी देखिए आज मैंने आपको बंदर दिखाई दिए, हमारे यहाँ पे कितने बंदर आते हैं, और साथ ही साथ हमारा सिलवट्टा भी साफ हो गया, इसको सिलवट्टा बोलते हैं, है ना। हम ये YouTube पे डालेंगे क्योंकि हमने वो काफ़ी सर्च किया कि सिलवट्टा कैसे साफ़ करते हैं, हमें एक बार भी नहीं मिला। तो अभी हमने खोज करी है कि सिलवट्टा कैसे साफ़ करें, तो आप लोगों को तो पता चल गया होगा सीक्रेट, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो जी अब जाना पड़ेगा नीचे, नहीं तो इन बंदरों का जो सरदार होता है काफ़ी मोटा होता है और वो शान से चलता है सभी बंदरों के पीछे। सभी बंदर आगे आगे होते हैं, वो एक अलग ही मस्ती में आता रहता है और वो काफ़ी गुस्सा दिखा देता है कई बार। तो अभी हम चलते हैं नीचे, कभी उसका गुस्से का शिकार हमें ना होना पड़े, क्योंकि फिर YouTube तो धरा का धरा रह जाएगा, मेरा पैर काट लेगा, इनका पैर काट लेगा, क्या फ़ायदा फिर? नहीं क्या कर, मारते क्यों हो? तो हम चलते हैं नीचे, देखो हमने ये साफ़ कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको इस पर चटनी बनाकर और फिर दिखाऊंगी, और आप लोग भी बनाइएगा। गुड इवनिंग, हम मिल रहे हैं शाम को, साढ़े आठ बजे, और काफ़ी लेट हो गया है आज। मैंने वो देखो सिलबट्टा तैयार करा है, आपको दिखाती हूँ। ये मैंने तैयार कर लिया, अभी मैं इस पर बनाऊंगी चटनी, ठीक है। चटनी तो हम बाद में बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी, पर उससे पहले लगा लेती हूँ मैं आटा। तो आटे के लिए मैंने इतना सा आटा लिया है, क्योंकि ना कल हमारी खिचड़ी बच गई थी, हमने खिचड़ी बनाई थी तो फ्रिज में रख दी थी। तो अभी मैं इस खिचड़ी को आटे में भून लेती हूँ, जिससे ना तो वेस्टेज होएगा और ये लग जाएगी खाने में ही। तो मैं खाली इसमें नमक डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी।
हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। अभी मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो इसके लिए जो शाम को खिचड़ी बनाई थी हमने कल, तो उसका जो आटा बचा हुआ है नर्वस कर दिया मैंने। मैंने एक बार यही रख लिया, ये जो सिलबट्टा है, क्योंकि यहीं पे धुल जाएगा और फिर इसको उठा के रख देंगे, जब चटनी बनानी होगी तब वापस से यहीं पे रख लेंगे। काफ़ी मेहनत के बाद ये तैयार हो ही गया शायद। अब क्या पता कैसे तैयार हुआ, वो तो खाएंगे तब पता चलेगा कि किरकिर तो नहीं आ रही है कहीं, तो लग तो नहीं रहा छूने से कि किरकिर आएगी, तो फिर भी देख लेंगे। चटनी भी बन गई और पराठे भी बन गए, तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो जी अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और खाना वाना हो गया सबका। आप यकीन नहीं करोगे चटनी कैसी बनी थी, इतनी ख़तरनाक चटनी मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं खाई। पूरी लाइफ जितनी भी मैंने अभी तक जी है, कानों में से धुआं निकल रहा था, नाक में से भी धुआं निकल रहा था, पानी निकल रहा था। घर में सबने फुल मिला के इतनी चटनी खाई होगी, आधी चम्मच, इतनी ख़तरनाक वाली मिर्च थी। वो क्या है ना कि हरी मिर्च लेके आए थे हम सर्दियों में, तो वो काफ़ी तीखी आ गई थी और हमने उनको उठा के रख लिया था, खाने में यूज़ हुई नहीं और हमने ऊपर रख दिया था उठा के, और अभी ध्यान ही नहीं रहा कि ये कौन सी वाली मिर्ची हैं। मैंने उन्हीं मिर्चों की चटनी बना दी। तो जी काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमारी खरक और ख़राब हुई, वो तो बात अलग है, कोई नहीं। लेकिन जो सबके कानों में से धुआं निकली है, नाक में से पानी निकला है ना, उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है। तो आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा मिर्ची है, इसमें मेरी क्या गलती है ना। और छत पे मैं घुमाने के लिए आपको भी लेके जाती, लेकिन इन्होंने फ़ोन नहीं ले जाने दिया। ऐसे कहा अगर फ़ोन लेके जाएगी साथ में तो यहीं रहते हैं, घूमने ही नहीं चलेंगे। और ये यशु आ गई है, यशु इधर आओ बेटा, गाना सुनाना। क्या कर रही है, क्या कर रही हो? तो सुनी इसको कितनी सारी पोएम आती हैं, क्या हमें आती थी अपने जब हम इतने इतने थे? मुझे तो लगता है मैं तो 5वीं 6वीं में होंगी तब भी मुझे नहीं आती थी। हाँ भाई, कहाँ नहीं आती थी मुझे तो नहीं याद कि हाँ भाई, मेरे को हिंदी में तो याद है, हिंदी में तो आती थी, बहुत सारी आती थी, लेकिन इंग्लिश का मुझे याद नहीं है कि इंग्लिश में भी पोएम आया करती। तो जी कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको और भी देखने को मिलें। और इसके अलावा लाइक पक्का से कर दीजिएगा, ठीक है। क्या है ना, इससे एक मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो,
और सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।